आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। दो बज चुका है और वक्त हो चुका है हमारे खास शो, जिसमें हम आपको पार्टी के नेताओं को आमने सामने बिठाते हैं और वो जनता के जवाबों का, जनता के सवालों का जवाब देते हैं। शुरुआत करते हैं अपने खास शो का। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव सियासी संकट में घिर गए हैं। अब लगातार एक के बाद एक सहयोगी दल सपा से दूर होते जा रहे। शिवपाल और ओपी राजभर ने अपने रास्ते सपा से अलग कर लिए हैं और लेटर एंगल के बाद से अखिलेश के लिए 24 की राह और ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि आजम खां भी इनका साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार आजम खां ने भी कई बयानबाजियां ऐसी की हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट रही हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के अगेंस्ट रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या किसी बड़े सियासी जाल में तो अखिलेश यादव नहीं फंस रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आज की हमारी चर्चा है और आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ बयानबाजियां राजनीतिक दलों की तरफ से आई हैं। ओम प्रकाश राजभर कहां खड़ा है और अखिलेश जी कहां खड़े हैं? अखिलेश यादव जी के ऊपर जो आरोप लगते हैं MOI का, उससे उबर पाएंगे क्या? हम फिर कह रहा हूं, जितने अति पिछड़े समाज के नेता समाजवादी पार्टी में हैं, अति दलित नेता, उनकी औकात नहीं कि अपने हिस्सेदारी के लिए बोल दे। जो बहुत बोल रहा हो आगे टीवी पर, वो बता दे कि एक दिन भी अपने समाज के हिस्सेदारी मांगा हो, मांग ले तो जबान काट ली जाएगी पार्टी में। मुझे बहुत से खतरे हैं, मेरे परिवार को खतरे हैं। मैं चाहता हूँ कि जहाँ मेरे पर इनायतों के की बरसात हुई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, मुझे इंसाफ देने के लिए अगर उत्तर प्रदेश सरकार महसूस करती है इस सब को, तो जो मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है, मैं जेड सिक्योरिटी में था और जेड स्पेशल की सिफारिश भाजपा सरकार में ही उनके SP ने मेरे लिए लिखी थी, जो विड्रॉ हो गई है, तो मुझे मात्र Y सिक्योरिटी सख्त है, जो नहीं के बराबर है। इतनी सिक्योरिटी हर विधायक को दी जाती है। मैं चाहता हूं कि उस, हालांकि हिफाजत करने वाला कोई और है, फिर भी अगर वो सुरक्षा मेरी वापस मिल जाए तो बेहतर होगा। और जो सियासी भुजाल आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों में, मेन विपक्षी पार्टी में, उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले उनका तारुफ मैं आप सभी से करवा दूं। पहले तो सुभाषपा से जैनेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन सिंह यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। वही अनूप अवस्थी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अनूप अवस्थी जी, जिस तरह से लगातार बयानबाजियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, इस पूरे एंगल को किस तरह से देखते हैं और कहां कमी देखते हैं आप विपक्ष की? नहीं, जब निश्चित तौर पर आपके पास कोई नैतिकता नहीं रह जाएगी, आपके पास कोई सिद्धांत नहीं रह जाएगा, आपके पास विजन नहीं रह जाएगा, आपके पास कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं बचेगी जिस आइडियोलॉजी के नाम से आपने पार्टी का नाम रखा, तो निश्चित तौर पर ये सब चीजें होंगी। जब आप बेमेल गठबंधन करेंगे, आप अपनी विचारधाराओं से जो लोग अलग है उनसे मेल करेंगे, आप अनैतिक रूप से मेल मिलाप करेंगे, आप किसी को मेल मिलाप करने के बाद उसकी बातों को नहीं मानेंगे, तो ये सब चीजें होनी है। चलिए नितिन सिंह, जिस तरह से लगातार पहले ओपी राजभर, शिवपाल यादव, उसके बाद अब आजम खां के भी तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से अपनी कमजोरी और किस तरह से अपनी मजबूती देखते हैं आप? इन जो दो आपके मेन नेता हैं वो आपको ऑलमोस्ट छोड़ के जा चुके हैं, किस तरह से आप देखते हैं नितेंद्र को, कमजोरी देखते हैं मजबूती देखते हैं अपनी? हमारे नेता की मजबूती और हमारे नेता का आत्मविश्वास, जिस तरीके से कुछ निजी स्वार्थी लोग सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रह करके
अपने परिवार की इच्छा न पूर्ति होने पर सड़कों में बयानबाजी करेंगे और इसके बाद में जब उनसे अनुशासन की बात की जाएगी वो नैतिकता और दलितों और पिछड़ों की बात करेंगे, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है। शिवपाल यादव की कौन सी पारिवारिक मंशा नहीं पूरी हुई नितेंद्र? शिवपाल जी की बात नहीं हो रही है, शिवपाल जी देखिए पहले से भी जहाँ थे वही है, शिवपाल जी में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन शिवपाल जी को भी तो कहा गया ना कि जिसको इज्जत नहीं मिल रही है वो चला जाए, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया मैं तो पहले से अलग था, औपचारिक तरीके से अलग करने के लिए धन्यवाद। तो वो कहां से डिमांड कर रहे थे? नहीं, अगर वो पहले से ही अलग थे। त्रिशला जी देखिए लगातार शिवपाल जी तो चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में विलय भी करना चाहते थे, उनका खुद का बयान था, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल नहीं चाहा कि वो विलय करे। समाजवादी पार्टी के सिंबल से वो चुनाव इसलिए लड़े कि उनकी मजबूरी थी कि उनका अपना कोई चुनाव चिन्ह नहीं था, जो उनका चाबी था वो पहले से जब हो चुका था, स्टूल उनका चुनाव चिन्ह मिला था जिससे वो लड़ नहीं सकते थे। वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़े, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता है, उनकी स्वतंत्र विचारधारा थी, हमने स्वतंत्र कर रखा था। बार बार जब इस तरीके के बयान आते थे तो एक उनको स्वतंत्र सूचना देती थी कि भाई आपका एक एज ए चाचा सम्मान है, होली दिवाली दशहरा आएंगे आपको प्रॉपर सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर आप पार्टी में हैं तो आप पार्टी के विधायक बतौर रहेंगे। अब आप बार बार रोज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके सार्वजनिक रूप से ये कहेंगे कि तू सम्मान क्या चाहते हैं, किस तरीके का सम्मान चाहते हैं, भाई आप चाचा हैं तो चाचा का सम्मान आपका सदैव था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को शिवपाल यादव की जरूरत नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए समाजवादी पार्टी स्वयं सक्षम पार्टी है, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की अपनी पार्टी है, उन्होंने अपना संगठन बनाया। देखिए वो दोनों अलग की बात है, लेकिन आपने क्या कहा कि पहले भी हमें जरूरत नहीं थी, वो खुद आए थे, अखिलेश यादव विलय नहीं करना चाहते थे, तो क्या आपका ये कहना है कि कभी जरूरत ही समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को कभी? अगर बात की समाजवादी पार्टी की तो शायद नेताजी के साथ मिलकर शिवपाल यादव ने उस पार्टी को खड़ा किया, आप सभी को पता होगा आप लोग कार्य करते हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव को जरूरत नहीं है शिवपाल यादव की? समाज में सभी को जरूरत होती है एक दूसरे को, वो सामाजिक रिश्ते होते हैं, लेकिन राजनीति में एक विचारधारा होती है और जो एक स्पष्ट विचारधारा के साथ राजनीति करेगा वो लंबे समय तक साथ में टिकेगा। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि किसी व्यक्ति का और किसी पार्टी का ट्वीट अब भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से होने लगेगा तो इस पर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह पड़ता है। लेकिन यहाँ शिवपाल जी से हमारा कोई विषय नहीं है, शिवपाल जी एक अकेले मात्र विधायक है। देखिए आज का जो मुद्दा है नितेंद्र जी, आज का जो मुद्दा है वो आपने बीच में ही खुद ही बता दिया। देखिए आज का मुद्दा ही यही है, क्या अखिलेश यादव अपने रिश्ते को और अपने कार्यकर्ताओं को और अपनी गठबंधन पार्टियों को संभाल नहीं पा रहे? एक एक करके क्यों आखिर क्या कमी है कि समाजवादी विचारधारा समाजवादी लोगों को नहीं समझ आ रही है, क्या वजह देखते हैं आप इसके पीछे? देखिए जो समाज जी जो समाजवादी है और समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो सदैव समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन जो गैर समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति है निजी स्वार्थों के लिए जी रहा है वो कभी बात नहीं करता। ऐसे में तो आजम खान ने भी अब सेंट्रल से सिक्योरिटी मांग ली है, तो आप कहेंगे आजम खान भी अब समाजवादी विचारधारा के नहीं है, समाज आजम खान भी समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, आप उनके लिए भी कहेंगे आप लोग? क्या पता थोड़े दिन उनके लिए भी कोई औपचारिक लेटर जारी कर दिया जाए जिस तरह से आप बता रहे? इसला जी देखिए आप बात सिक्योरिटी मांगना और विरोध करना दोनों बहुत फर्क है। आप क्या कोई सिक्योरिटी मांग रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो हमारा विरोध कर रहा है, निश्चित रूप से आजम खान तो ओपी राजभर को भी सिक्योरिटी दी गई थी ना, सिक्योरिटी के बाद ही तो लेटर जारी हुआ। आजम खान साहब ने विरोध में क्रॉस वोटिंग नहीं की है और आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के विधायक है, ओपी राजभर हमारे गठबंधन का हिस्सा थे और उन्होंने गठबंधन से हट करके विपक्ष के प्रत्याशी को नितिन जी आज फिर एक बात मैं आपसे दोहराना चाहूंगी, जो देश के राष्ट्रपति की कुर्सी है उसके हाथों में संविधान की सुरक्षा होती है और संविधान की सुरक्षा किसके हाथों में दिया जाए किसके हाथों में नहीं दिया जाए हर नेता विधायक सांसद खुद जानता है और इसके लिए कोई किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकता। बहुत बड़ा ओहदा होता है, देश के प्रथम नागरिक का ओहदा होता है, तो राष्ट्रपति का सिलेक्शन करने के लिए हर कोई फ्री है, आखिर उनको लगा होगा ना कि संविधान द्रौपदी मुर्मू के हाथों में ज्यादा सुरक्षित है तो उन्होंने उनको चुन लिया, उनका तो ये भी कह
कहना है कि जब यशवंत, मेरी बात सुन, जब यशवंत सिन्हा आए थे तो कोई फेवर ही नहीं मांगा गया, उनको बुलाया ही नहीं गया कि यशवंत सिन्हा को वो सपोर्ट करे, उनका तो ये भी इल्जाम है आप लोगों के ऊपर। उन्होंने खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आखिर क्यों नहीं बुलाया गया? आपसी कला ही तो है कि नहीं बुलाया गया। शायद आप लोग बुलाते, उन्हें भी निमंत्रण देते तो वो करते सपोर्ट यशवंत सिन्हा को। अलग पार्टी के नेता है, उनका स्वयं का जमीर क्या कहता है, उन्हें किस विचारधारा के साथ रहना है ये उनको तय करना है, ये समाजवादी पार्टी को नहीं तय करना है। उनको लगा था कि भारतीय जनता पार्टी में बराबर की भागीदारी, जिस जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात नहीं हो पाई, वो जातिवार जनगणना चाहते थे वो नहीं हो पाई, इसी वजह से वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके और मंचों से कह रहे थे कि देश के सबसे बड़े झूठे भारत के प्रधानमंत्री, देश के नंबर दो के सबसे बड़े झूठे योगी आदित्यनाथ, मंचों में चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे। आखिर आज क्या हो गया, बड़े प्रिय लगने लगे, किस कारण से? सिर्फ उनके बेटे को एमएलसी नहीं बनाया गया इसलिए? अरे वो इतने बड़े सामाजिक हिस्सेदारी की बात कर रहे थे तो किसी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि किसी पाल को, किसी लोहार को, किसी ये को, किसी कुमार को, किसी तेली को, किसी पिछड़े का नाम लेकर के आप आइए, तो उनको सिर्फ उनका बेटा पसंद आ रहा था उस समय, उन्होंने मना कर दिया। अभी उसको अपने चुनाव लड़ाया है, अभी उसको एमएलसी नहीं बनाएंगे, आगे लोकसभा में देखेंगे तो अब पिछड़ों के नेता नहीं रहेंगे। ये जितने तनिक भर के जरा जरा सी छड़ी स्वार्थ के लिए ये पल पल में बयान बदलने वाले लोग, इसका जवाब भाजपा से ही मांग लेते हैं। क्या कहेंगे जैनेन्द्र जी आप इस पर? साफ साफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि ओपी राजभर के बेटे को अगर जब एमएलसी नहीं बनाया गया, इसके चलते उन्होंने ऐसा इल्जाम लगाए, इसके चलते उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी ही नहीं रही। क्या जवाब देंगे आप इस पर कि पुत्र मोह के चलते ये सब कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बता देता हूँ। इन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें इन्होंने कहा कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ती रही, आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिले। पहली चीज, ये सम्मान देना ही नहीं जानते हैं, नहीं तो इन्होंने 2017 में कांग्रेस के साथ, 2019 में बसपा के साथ और 2022 में हमारे और अपना दल के साथ भी गठबंधन किया था, और तीनों जो पहला कांग्रेस वाला 10 दिन भी नहीं चला, दूसरा अभी 1 महीने भी बसपा के साथ नहीं चला इनका गठबंधन, तीसरा महानदल के साथ 3 महीने भी नहीं चला और चौथा हमारा गठबंधन जो 4 महीने भी नहीं चला। तो अभी अखिलेश भैया जी को बहुत परिपक्वता लानी होगी और राजनीति सीखनी होगी कि कैसे गठबंधन के दलों को साथ लेकर चला जाता है। दूसरी चीज मैं बता दूं, जो हमारी पार्टी की तरफ से प्रत्युत्तर में एक लेटर जारी किया गया उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, तो उसमें साफ साफ लिखा है पिछड़ों, दलितों, कमजोर, अल्पसंख्यक, वंचित, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम आए थे। दो जब चुनाव का प्रथम चरण चल रहा था 59 सीटों पर हमने पूछा था कि क्या आपने पाल, बिंद या चौहान या किसी को वोट टिकट दिया है? इन्होंने कहा नहीं, अगले चरण में देंगे। लेकिन अगले चरण में हमने पूछा कि आपने क्या प्रजापति, अर्कवंशी या बाकी लोगों को टिकट दिया है? इन्होंने कहा नहीं, अगले चरण में देंगे। वहां से एक गठबंधन में हल्की सी खिंचाव आना शुरू हुआ, लेकिन सबसे बड़ा खिंचाव आया कि ये समाजवादी पार्टी M+Y समीकरण से, हालांकि मैं साफ कर दूं M+Y समीकरण से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं और हमारी पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हुए, लेकिन ये M+Y गठबंधन से समीकरण से आगे सोच ही नहीं पाए। दूसरी चीज, इनकी कोई हाँ में हाँ मिलाए, सच में सच इनको बताए, इनको सलाह दे, तो इनको लगता है कि कोई ऑर्डर चला रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। भैया, आपको सलाह की जरूरत नहीं है तो आप सीखेंगे कैसे? आप अभी तक यहाँ तक आए, आप 2012 में जो चुनाव लड़ा गया था वो माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के चेहरे पर लड़ा गया था और सीट आपको मिल गई मुख्यमंत्री पद की, और 2014, 17, 19, 22 सभी चुनावों में आप हारते हुए आ रहे हैं। 22 में तो आपको इस वजह से 2017 के बनिस्पत सीटें ज्यादा मिल गई क्योंकि हमारा गठजोड़ था, और पूर्वांचल के 5 जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खोला, और आगे 10 जिले ऐसे हैं जहां हर जिले में एक एक दो दो सीट ही आई। लगभग पूर्वांचल की जो 26 जिले हैं उसमें से
बीजेपी को ना के बराबर सीटें आई, 136 सीटों में से कुल मिला के 80-90 सीटें जो पिछली बार आई थी वो भी आधी रह गई, उसकी वजह से आपकी सीटें बढ़ी, आपका जनाधार बढ़ा, आपको पहले लगभग 2.25 करोड़ वोट मिले थे, इस बार 3.08 करोड़ लगभग वोट मिले हैं, वो भी केवल सुभाषपा पार्टी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बदौलत मिले। अब यहाँ पे मैं साफ करना चाहूंगा कि एक और इन्होंने बात बोली कि अहंकार या अलग दल है, बिल्कुल भैया अलग दल है, लेकिन जब उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ में तो हम जमीन पर काम कर रहे थे, हमारे माननीय ओम प्रकाश राजवत जी जमीन पर काम कर रहे थे, 300 पदाधिकारियों की टीम थी और हजारों कार्यकर्ता जुड़े हुए थे जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, माननीय धर्मेंद्र यादव जी के कमरे का बराबर वाला कमरा लेके रह रहे थे और उनके साथ दिन भर भाग दौड़ कर रहे थे, तब भी हमने कहा था कि माननीय अखिलेश जी को एसी कमरे से बाहर आके ट्विटर फेसबुक की राजनीति छोड़ के धरातल पे आना चाहिए कुछ दिनों के लिए, अगर वहां पे 8400 वोटों से 0.9% वोटों का अंतर था, 8400 वोटों का अंतर था केवल हार और जीत में, अगर वो आए होते तो शायद 8400 नहीं 16800 वोटों से हमारी जीत होती, यही हमारा केवल कहना है। चलिए बताइए नितेन जी, साफ साफ कहना है कि अखिलेश यादव 2022 में तो हाथ पकड़ कर चुनाव लड़े, 2022 के चुनाव में वो साथ रहे खुले मन से, आपने भी सुना कि किस तरह की बयानबाजियां हुई की गई, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तब बात नहीं सुनी गई। मेरी पहले मेरा सवाल सुन ले, जो मेरा सवाल नहीं, जो सुभाषपा का सवाल आपसे है। मैम मुझे बस एक और चीज बोलनी है, आप मेरी तरफ से सवाल पूछ लीजिएगा कि 121 विपक्ष के विधायक थे उसमें से 111 वोट मिले यशवंत सिन्हा जी को, तो जो 10 बागी विधायक हैं क्या उनको चिन्हित करके उनको भी पार्टी से निकालेंगे? चलिए बस इतना पूछ लीजिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि आजम खान जी ने क्रॉस वोटिंग नहीं की या बाकी लोगों ने क्रॉस वोटिंग। सवाल मेरी तरफ से पहले पूछ लीजिए इनसे, ये जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे तो इनको कितनी सीटें मिली थी और कितनी सीटें जीत कर गया था, जरा ये क्लियर करा दीजिए, इसके बाद में जवाब देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी का कहना है कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़े थे उनके साथ गठबंधन करके तो आपको कितनी सीटें मिली थी? जी मैं बता देता हूँ, बिल्कुल स्थिति क्लियर कर देता हूँ, 8 सीटों पे हम चुनाव लड़े थे, 4 सीटों पे जीते थे, लगभग 50% का स्ट्राइक रेट था, इन चुनावों में 17 सीटों पे लड़े थे, 6 सीटों पे जीते हैं, लगभग 34% का स्ट्राइक रेट है, आपकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 31% है और रालोद का स्ट्राइक रेट अब सुन लीजिए जवाब, ये इतने महारथी थे ये भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके लड़े थे तो ये 8 सीटों में लड़े थे, 4 सीटें पाए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, और ये आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में मिलकर के लड़े थे तो 3 करोड़ वोट समाजवादी पार्टी को दिलवा दिए, क्योंकि अपनी हैसियत का ठिकाना नहीं है, ये कहिए कि आप समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े तो 4 से 6 हो गए, ये समाजवादी पार्टी की हैसियत है, और उस समय अकेले सिंगल मंत्री थे, आपकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी जिससे चलते भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आपको सम्मान दिया, बराबर दागीदारी की बात की, इच्छा में आपके पास की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे उसके लिए आए थे। देखिए अगर बात मौजूदा सिचुएशन की करें, मौजूदा स्थिति की करें उत्तर प्रदेश में, तो जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं जिनसे हमारी बात हुई आज की चर्चा को लेकर, उनका भी कहीं ना कहीं यही कहना है कि क्या अखिलेश यादव 2024 के लिए कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो दो जवाब सुभाषपा के आपको देने होंगे, सुभाषपा ने आप पर यह इल्जाम लगाया है कि अखिलेश यादव पहले गठबंधन तो कर लेते हैं, जब उनको जरूरत होती है वो गठबंधन कर लेते हैं, चुनाव में हाथ पे हाथ धर के वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब उनकी गठबंधन वाली पार्टियां कोई सलाह देती है, कोई सजेशन देती है तो वो नहीं मांगते, क्यों नहीं मानते हैं? बिल्कुल उन्हें आप बताएं क्या ये सच सवाल है? जी ये सवाल का जवाब देता हूं, इन्होंने कहा हमारा बसपा से गठबंधन था, जी ये मैं पूछना, बसपा से गठबंधन क्या समाजवादी पार्टी ने तोड़ा? बसपा चुनाव के साथ लड़ी,
चुनाव जीत करके आए, वो 10 सांसद जीत करके आए, और चुनाव आते ही दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। और इसके बाद में मायावती जी का बयान आ गया कि मैंने गठबंधन अलग कर लिया। बताइए, समाजवादी पार्टी ने उनसे गठबंधन तोड़ा था क्या? हमने इनसे गठबंधन किया, चुनाव जीत करके हम लोग आए। चुनाव के बाद ही राजनीतिक महत्वाकांक्षी ने जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा को दोहराने लगे। तो भाई भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, लेकिन ओपी राजभर ने साफ साफ कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं बल्कि वो बसपा में जाना चाहेंगे। उन्होंने खुले आम कहा है, मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगे, वो बात करेंगे बहन कुमारी मायावती जी से कि वो उनको अपनी पार्टी मिले। उन्होंने साफ साफ ये बात कहा है, अपने कहीं से भी आसार नहीं नजर आ रहे कि भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। जी मेरा जवाब सुन लीजिए जी, ये बता दीजिए कि ये बसपा से निकले थे जी, बहुजन समाज पार्टी से राजनीति शुरू की थी, इसके बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर भारतीय जनता पार्टी के पास गए, फिर समाजवादी पार्टी के पास आए, फिर बहुजन समाज पार्टी के पास जाना चाहते, उनको लेना कौन चाह रहा भाई? अरे इनकी हैसियत है अपने आप अपनी ताकत के नाम पर चुनाव लड़े पूरे उत्तर प्रदेश में। नितिन सिंह आपने शुरुआत के जवाब में कहा था कि ओपी राजभर समाजवादी पार्टी की गठबंधन में होते हुए भी एनडीए की उम्मीदवार हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, इसलिए आप लोगों ने लेटर जारी किया, ठीक है? एक सीधा सीधा सा सवाल सुभाषपा के साथ साथ पूरी मेरी बात सुनिए पूरी जनता का भी आपसे है कि 121 विधायक थे आपके पास, 111 वोट यशवंत सिन्हा को मिले थे, बाकी के जो 10 बागे उसमें से चलिए एक शिवपाल को मान लीजिए, एक ओपी राजभर को मान लीजिए, बाकी के जो 8 है क्या उनको भी पार्टी से निष्कासित किया जाएगा? जो 121 वोट है उसमें से समाजवादी पार्टी चिन्हित करेगी, समीक्षा करेगी, और अगर किसी ने अनुशासनहीनता किया है तो अनुशासनहीन लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मतलब उन्हें भी लेटर जारी कर दिया जाएगा, जिसको ज्यादा इज्जत मिल रही है वो जाए। पार्टी के अंदर जिसको रहना है वो उसको पार्टी के आंतरिक अनुशासन पर ही चलना पड़ेगा। अगर कोई अनुशासन तोड़ता है तो निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों हमारी पार्टी के लोग नहीं थे, इनको सम्मान चाहिए था तो इनको सम्मान के लिए भेज दिया गया, जो इनको अच्छा सम्मान दे रहा हूँ आ जा सकते हैं। हमारे पास इतना है, हमारा पास कोटा है, हम कोटे भर का सम्मान दे सकते हैं, हम अपनी हैसियत से ज्यादा नहीं दे सकते भाई, हमारी क्षमता जितनी होगी उतनी देंगे। अनूप जी ज्यादा दे सकते हैं, हमारे भाई हैं तो अनूप जी के पास चले जाएं, अनूप जी के पास सहज भरी भाषा है, प्यारी प्यारी भाषा है, मीठी वाणी से दे सकते हैं, के पास देने की अनुपस्थिति दे सकते हैं, हमारे पास सत्ता। चलिए नितिन जी, जैन जी को अपने जवाब रखने दे, फिर हम भारतीय जनता पार्टी से भी आखिर पूछ ही लेते हैं कि पक्ष में भी रहकर भी विपक्ष ज्यादा निशाने पर आखिर क्या खासियत हो गई है? अनुपस्थिति इसका जवाब देंगे जैनेन्द्र अपना पक्ष। मैं बस 10 सेकंड का एक सवाल पूछ लेता हूं। राष्ट्रपति चुनाव में वेप तो जारी होता नहीं है, ना वेप होता है, आप किस बिना पे उन लोगों को निकालेंगे? बस इतना मुझे बता दीजिए, क्या कह के निकालेंगे, क्या इल्जाम लगाएंगे उनके ऊपर? अगर आपने चिन्हित भी कर लिए, पहली बात आप चिन्हित ही नहीं करेंगे, आपको भी पता है वेप लागू नहीं होता है तो क्या कह के निकालेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं निकालेंगे या जो भी अनुशासन चाहिए कि निकालने में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में आप किसको ज्ञान बता रहे हो? हम लोग पढ़ा संविधान को भी पढ़ा, पार्टी की पॉलिटिक्स करते हैं। आप पहले चीजें राय देना बंद करिए, आप अपनी राय दीजिए और अपनी पार्टी पे अपने तरीके से। मैंने कहा कि हमने कहा कि चुनाव अकेले लड़िएगा, इसके बाद दूसरों को दे रहे हैं, अपने ऊपर पहले लागू करिए, दूसरों को राय देना बंद करिए। पहले आप मुख्यमंत्री के कंधे पे बैठ करके आए थे, वो चार विधायक आगे थे, इस बार आप अखिलेश यादव जी के कंधे पर सवार हो गए, आपको 6 विधायक मिल गए। एक बार अकेले लड़िएगा, 8 विधायक हैं सुभाषपा
नितेन सिंह जी छह विधायक है, माफ कीजिएगा छह विधायक, ये छह विधायक है आठ अजयंत जी के पास। चलिए अनुप अवस्थी, लगातार जो घमासान है, जो आंतरिक कलह है, वो विपक्ष में चल रहा है, लेकिन आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर चल रहा है, लग रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फूट डालो और राज करो वाली नीति पर खेल रही है, कहीं से भी हाथ है क्या भारतीय जनता पार्टी का इसके पीछे, जो इल्जाम लग रहे हैं आपके ऊपर लगातार? मेरे देखिए, जो ताकत में होता है इल्जाम उस पर लगते हैं, लेकिन ये लोग शुरू से ही, आप किसी भी मामले में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी अपनी हार से इतनी हताश और निराश है कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी गड़बड़ हो इनकी पार्टी के लोग छोड़ के जाएं, इनके चाचा शिवपाल यादव इनके साथ ना रहे, तो उसके पीछे सारा ठीकरा ये भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से इस डिबेट में बोलना चाहता हूँ, आपने तो अपर्णा यादव को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया, बताइए घर की बहू को ही आपने शामिल करा लिया भारतीय जनता पार्टी पे, तो कैसे सवाल नहीं उठेगा आप पर? हम हर उस व्यक्ति को पार्टी में मेरे स्वागत है जो व्यक्ति अपनी राष्ट्रीय सोच लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की मुहिम से जुड़ना चाहता है, सबका साथ सबका विकास से जुड़ना चाहता है, उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिए काम करना चाहता है, ऐसे सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। लेकिन जो लोग सिर्फ निगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, और ये निगेटिव पॉलिटिक्स कर करके माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को कौन सी पार्टी बना दिया, कहाँ आइडियोलॉजी चली गई, जरा नितेन जी बताएं कि वो कौन सी आइडियोलॉजी, कर्पूरी ठाकुर की आइडियोलॉजी कहाँ गई, ये जितने राम मनोहर लोहिया की आइडियोलॉजी कहाँ गई। जब कोई भी दल अपने आइडियोलॉजिकल पॉइंट से हटता है तो निश्चित तौर पर उसका यही हश्र होता है, और जब कोई हठधर्मी हो जाता है तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हठधर्मी व्यक्ति की हठधर्मिता प्रभु भी ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करता है। इनको चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर चाचा तो चाचा गए, फूफा भी चले गए, राजभर जी भी चले गए, महान दल भी चला गया, तो ये चिंतन करना चाहिए अखिलेश जी को कि आखिर इनकी पार्टी में ऐसी क्या कमी है। हमारा तो नहीं है, हम तो जिससे अलायंस करते हैं उसको बराबर भागीदारी देते हैं, पहले ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ थे, उनको पूरी भागीदारी दी गई थी। चलिए, अभी आपने कहा कि चिंतन करना चाहिए अखिलेश यादव को कि क्या वजह है, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने भी ट्वीट करके कह दिया कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको समाजवादी पार्टी में जगह नहीं मिलती। अखिलेश यादव कभी भी अपने से नीचे लोगों को बराबरी में नहीं बैठाना चाहते, तो क्या कहीं इशारा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में वो सभी आए जो एक राष्ट्र और एक साथ एक विकास पे भरोसा रखते हैं, कहीं ओपी राजभर को बुलाने वाले तो नहीं है? नहीं नहीं, देखिए मैंने आपसे एक बात कही, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, यही मूल मंत्र है माननीय मोदी जी का, और उसी मूल मंत्र को आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश की सरजमी पर, धरती पर, योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं। ओपी राजभर भी तो यही कह रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, एक राष्ट्र की बातें तो वो भी कर रहे हैं कि इक्वालिटी का हक कब जो पिछड़े शोषित वंचित है उनको दिया जाए, बात तो वो भी यही कह रहे हैं। अपर्णा यादव भी एक राष्ट्र की बात ही कहती थी, तो क्या अब उनको भी बुलावे का निमंत्रण तो कहीं नहीं दिया जाएगा? नहीं नहीं, देखिए अभी तो ओम प्रकाश राजभर तो देख दी गई है फिलहाल। देखिए सिक्योरिटी हर उस व्यक्ति को देनी चाहिए जो भी सरकार में हो, जिस पर खतरा हो, जो समाज का व्यक्ति हो, किस प्रकार का पॉलिटिकल आदमी हो, राजभर पर क्या लगता है आपको किस नहीं, प्रकार नहीं, मतलब उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को अगर वोट दे दिया तो उनपे खतरा है? नहीं नहीं, देखिए हो सकता है, आखिर समाजवादी पार्टी तमंचावादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी है, तो हो सकता है खतरा हो। चलिए आप मानते तो है, नितिन सिंह बताइए क्या कहेंगे आप इस पर, समाजवादी पार्टी तमंचावादी पार्टी है, क्या कहेंगे आप? ये सर्वविदित हो गया है कि तमंचे किसके घरों में बरामद हो रहे हैं,
ये सर्वविदित है बलात्कारी कौन है, ये सर्वविदित हो गया पाखंडी कौन है, ये बलात्कारियों की पार्टी, ये पाखंडियों की पार्टी, और अभी वो भी राजभर पे थप्पड़ भाग पड़ी थी, वो मारने वाले कौन थे, वो तमंचा लेकर के जो आए थे भारतीय जनता पार्टी के थे और उन्हीं के गुंडे से उन्हीं के डर से ये चले गए। ओम प्रकाश राजभर को पहले इन्होंने मारा, पहले इन्होंने पीटा और इसके बाद बताया कि मेरे पास आ जाओ तो तुमको सुरक्षा दे देंगे। तो ये गुंडों की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, घोटालेबाजों की पार्टी देखिए बलात्कारियों की, मेरी बात सुनिए नितिन सिंह, बलात्कारियों की पार्टी तो उससे कोई बचा हुआ नहीं है। अगर बात महिला सुरक्षा की आ जाएगी तो अगर बात महिला की सुरक्षा की आती है तो कोई इससे अछूता नहीं है। महिला सुरक्षा के दावे और वादे सभी करते हैं लेकिन कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो महिला सुरक्षा बलात्कार की बातें तो अभी ना करें आप। बच्चों से गलती हो जाती है कितना नहीं, ये तो इनके नेता बोलते थे बच्चों से गलती हो जाती है। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, बात महिला सुरक्षा की हो रही है ना, आपको याद है 300 किलोमीटर मुख्यमंत्री आवास से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक रेप का केस हुआ था, तब मुख्यमंत्री सो रहे थे अपने सीएम आवास में, कौन सीएम थे आप वो भी याद कर लीजिएगा, 300 मीटर की दूरी पर। जी महिला सुरक्षा, मैंने आपसे कहा आप लोग महिला सुरक्षा की बातें ना करें, मुद्दे पे हैं। क्या 2024 में के लिए अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितना पहले शिवपाल चाचा जी कहें कहीं कोई कमजोरी नहीं, समाजवादी पार्टी नए सिरे से अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करते हुए और मजबूती से अपनी पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत कर रही है। अब 2024 का चुनाव बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी लग रहा था, एक इल्जाम और आप पे लग रहा था 2022 के दौरान, आप भी सुने होंगे कि समाजवादी पार्टी चुनाव के एक दो चार महीने पहले आ जाती है, तो क्या 24 में ही शुरुआत होगी मजबूत करने की पार्टी की शुरुआत? कृष्णा जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चलाती है और हमारे जो सहयोगी उनके एजेंडों पे खेलने लगते हैं, यही कारण है समाजवादी पार्टी पूरे 5 साल अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आज हमारे सदस्यता अभियान मेरा चल रहा है और सदस्यता अभियान के साथ साथ हमारे संगठन के गठन की प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद हम लोग सीधे चुनाव की तैयारी पे कूद रहे हैं। ये संगठन निर्माण किस प्रक्रिया में आता है भाई, ये क्या चुनाव की तैयारी के लिए नहीं होता है क्या? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्रीय नेता को बाकायदा एजेंडा बना करके पप्पू साबित करने का काम किया, इसके बाद में अब इनका दूसरा एजेंडा जो हमारे आदरणीय नेता को एसी में बैठकर ट्वीट करने वाला नेता साबित करने की कोशिश है, और यही कारण है कि इनके एजेंडे पर जो हमारे साथी खेलने लगे हैं, जिसके चलते इनको बाहर का रास्ता दिखाने की आवश्यकता पड़ी। समाजवादी जी बिल्कुल जैन जी, आप पे सीधा सा एक इल्जाम लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पर कार्य करने लगे थे उनके साथ मिलकर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले राहुल गांधी की छवि खराब करी, ओपी राजभर अखिलेश यादव की छवि एसी के कमरों वाले नेता बनाने की कोशिश कर रही थी, बताइए क्या ओपी राजभर के ऐसे कोई इरादे थे क्या? नहीं, ये ऐसे कोई इरादे नहीं थे, ये पता नहीं कहाँ से हवा उड़ाई गई, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि उनकी छवि खराब की जा रही, उनके कार्यकर्ता जब भी फ्रीज में मिलते थे या आजमगढ़ उपचुनाव में मिले और पदाधिकारी मिले तो उन्होंने यही कहा कि अखिलेश भैया को यहाँ एसी कमरे से बाहर आना चाहिए, लेकिन जब वो बात नहीं सुनी गई तब उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बात दोहराई कि अखिलेश भैया को पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, धरातल पर उतरना चाहिए। अब आप बताइए, अगर मैंने जो सबसे पहली लाइन बोली, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, तो ये हमसे मुमकिन नहीं है, ये हमसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम दिन को अगर कोई रात बोलने को बोलेगा तो हाँ में हाँ मिला के रात बोलेंगे। दूसरी चीज कि अगर इनको कोई सलाह भी देता है तो ये उसे धमकी मान लेते हैं या हिदायत मान लेते हैं, कुछ भी नहीं मानते, ये कहते हैं कि हमें किसी की सलाह की जरूरत ही नहीं। अगर ऐसा होता, अगर ये सलाह लेते रहते तो आज सपा समाजवादी पार्टी का ये हाल ना होता, माननीय शिवपाल यादव जी इतने कद्दावर बड़े जैनेन जी, अपने पीछे की तरफ झांक के देखो, 110 और 6 का अंतर महसूस करो, कैसे पता चल जाएगा। बिल्कुल आप लोग कमियां गिनाते रहिएगा हमारे साथ, ये कमियां नहीं गिना रहे हैं,
हम तो बता रहे हैं कि कहाँ पे कमियां रह गई। आप आपकी अपनी हैसियत दो सीट अपने दम पर जीतने की नहीं है। खुद ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि आप अगर गठबंधन चार लोग करते ओवैसी शिवपाल सिंह यादव और फूल ओपी राजभर और 100 सीटें लड़ते और 0-0 आते तो क्या रिजल्ट होता। इसलिए हमने 10-10 सीट लेकर के 600 सीटें जीत ली है। ये हैसियत भूल मत जाया करो। दूसरों को राज देने के पहले जब बैठा करो टीवी पर तो पढ़ के आया करो। ओम प्रकाश राजभर ने खुद कहा था कि हम 400 सीटें लड़ते 100 सीटें लड़ते चार लोग मिलकर के और अगर 0-0 पर आ जाते तो क्या फायदा होता। इसलिए आपके पार्टी का मसला है, बिल्कुल पर्सनल मसला है, सही है, लेकिन कभी कभी आपको राय में सुननी पड़ती है। हम लोगों के अंदर पूरा आंतरिक हमारे असन है, आंतरिक लोकतंत्र, सभी लोग पार्टी फोरम में अपनी राय रखते हैं, उस पर राय पर अमल किया जाता है और उसी राय के आधार पर पार्टी के संविधान, पार्टी की कार्यकारिणी और पार्टी का संगठन बनाया जाता है। अब ये मीडिया में शोर मचाने की जरूरत नहीं कि हम किसकी राय मानते हैं किसकी नहीं मानेंगे। ये सिर्फ भाजपा को कहना है, ये बार बार ज्ञान बांटने आ जाते हैं, ये अपने ऊपर अमल करें ना। जितना होगा ये चाहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक संघर्ष है, इनको चुनौती देता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, ये किसी से गठबंधन न करें, अकेले चुनाव लड़े और 425 में से 420 सीटें सरकार की कमी होने के कारण हम समय से प्रतिबंध है, हमें इस डिबेट को रोकना होगा। बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि 121 विधायक आपको भी जनता ने दिए, जनता ने आप पर भी भरोसा दिखाया है, तो जिन लोगों ने भरोसा दिखाया है जनता का ये कहना है, मेरी बात सुनिए, कि उन लोगों की खातिर, उनकी उम्मीदों के खातिर जो कमियां हैं, जो मुद्दे हैं, उसके लिए आप सड़क पर उतरे और कमियां गिनवाए और एक मजबूत विपक्ष का रोल निभाए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के अल्टीमेटम पर राजभर का रिएक्शन, अखिलेश ने नहीं मानी चाचा की सलाह, सपा से सहयोगी दलों का टूटा नाता, शिवपाल राजभर हुए सपा से दूर, अब अखिलेश के सामने बड़ी चुनौती, क्या 24 के किंग बन पाएंगे अखिलेश। तरह से लगातार गठबंधन टूटने के बाद बयानबाजियां और लेटरबाजियों का दौर जारी है। इस बीच बड़ी अटकलें राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से ये भी लगाई जा रही हैं कि क्या 2024 में अखिलेश यादव कमजोर हो जाएंगे। कई लोगों का ये भी कहना है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, उनका ये कहना है कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है। जैसा अभी अभी उनके प्रवक्ता ने, उनके नेता ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि पहले चुनाव में खुद थप्पड़ मरवाई थी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजभर को थप्पड़ मारा था और अब उन्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो गुंडों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसका कोई हाथ नहीं है, जो एक राष्ट्र की बात करेगा, सबका साथ सबका विकास की बात करेगा, हम उसको अपनी पार्टी में जगह देंगे। इससे लगातार तमाम बयानबाजियां और तमाम तरह के बयान, तमाम तरह की लेटर जारी चलती रही है, लेकिन जनता की भी एक उम्मीद है समाजवादी पार्टी से कि जिन लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया है, उनके भरोसे की खातिर समाजवादी पार्टी कुछ तो करे। फिलहाल आज की इस चर्चा को हम यही रोकना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस